आज हम बायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो बायोफाइटा है उसमें हमको अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। यदि हम बायोफाइटा के बारे में बात करते हैं तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोन एवं फाइटोन। बायोन जिसका अर्थ होता है मॉस और फाइटोन जिसका अर्थ होता है प्लांट। मुख्य रूप से जो ये बायोफाइटा का जो मेंबर है जिसमें थैलोफाइटा और जो टेंडोफाइटा है उनके बीच की कड़ी कहते हैं, और इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों के जो लक्षण है वो हमको बायोफाइटा में दिखाई देते हैं। बायोफाइटा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 960 जेनेरा और लगभग 2400 स्पीसीज ज्ञात है। बायोफाइटा का जो प्लांट होता है उसको हम एम्फीबियंस प्लांट्स कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि बायोफाइटा को एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं। यदि हम जूलॉजी में पढ़ते हैं तो आपने मेडक का नाम सुना होगा, मेडक जो कि थल और जल दोनों में पाया जाता है। इसी प्रकार से प्लांट में भी ये जो मेंबर है जिसको हम कह रहे हैं एम्फीबियंस, जिसमें हम बायोफाइटा के बारे में अनेक प्लांट जैसे मार्केंसिया आएगा, इनके बारे में हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। तो ये जो मार्केंसिया का पौधा है इसकी अनेक स्पीसीज जो कि भाई जल में भी और थल में भी दोनों में हमको दिखाई देती है, और इस कारण इसको हम प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। इसके जो फॉसिल्स थे जो कि सीनोजोइक एरा और मीसोजोइक एरा में हमको दिखाई देते हैं। इंडिया के नॉर्थ एवं साउथ हिमालयन रीजन में ये बायोफाइटा का जो मेंबर है वो हमको दिखाई देता है। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स में भी और साउथ में भी इसकी कुछ स्पीसीज हमको दिखाई देती है। यदि हम मार्केंसिया के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये जो मार्केंसिया है इसमें सबसे पहले हम इसका जो लाइफ साइकिल देखते हैं ये दो प्रकार से हमको दिखाई देता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले जो हमको स्टेज या जो स्टेज दिखाई देती है गैमेटोफाइट, जो कैसी होती है, हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफिटिक जो हमको स्टेज दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, डिप्लॉइड। खासतौर से दोनों जो स्टेज है गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट है मॉर्फोलॉजिकल रूप से एक दूसरे से डिफरेंट हमको दिखाई देती है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो ये जो गैमेटोफाइट है ये मुख्य रूप से यदि हम मार्केंसिया का अध्ययन करते हैं तो ये मार्केंसिया में अधिकांशतः जो हमको स्टेज दिखाई देती है वो कौन सी दिखाई देती है, गैमेटोफाइट, और मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है आपकी, गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड। काफी लंबे समय तक ये स्टेज हमको दिखाई देती है, जीवित अवस्था में दिखाई देती है, इंडिपेंडेंट होती है ये, और हमको हरे रंग की और जिसमें हमको अनेक लीफ और ब्रांच जो है वो दिखाई देती है। यदि हम स्पोरोफाइट फेज की बात करें तो इसकी जो जीवन अवधि होती है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, मतलब ये जो अवस्था है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद यदि हम इसकी प्रिमिटिव फॉर्म देखते हैं जिसमें हम दो मेंबर देखते हैं, रिक्सिका और मार्केंसिया, जो कि हमको गैमेटोफाइट स्टेज में दिखाई देते हैं, थैलस हमको दिखाई देगा, और कैसा थैलस, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब जमीन में रहने वाला, और ये जो स्टेज है जो कि नमी वाली जो जगह है उनमें पाई जाती है। इसकी जब हम संरचना देखते हैं तो वो फूल नुमा रूप में दिखाई देती है, थायलॉइड होती है और हरे रंग की या ग्रीन कलर की हमको दिखाई देती है। यदि हम मॉस की बात करते हैं, मॉस जिसमें जो कि हमको एडवांस फॉर्म में दिखाई देती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई हमको दिखाई देती है, जिसमें हम स्टेम और लीफ जो संरचना है वो दिखाई देती है, रूट नहीं पाई जाती है लेकिन रूट के स्थान पर यहां पर हमको राइजॉइड्स दिखाई देते हैं जो कि रूट के समान कार्य करते हैं, पत्ती नुमा संरचना होती है, और खासतौर से यदि हम बोले ये जो मॉस है ये किस फॉर्म में है, एडवांस फॉर्म में हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट बायोफाइटा के अंदर जो जनरल कैरेक्टर है जिसमें ट्रू रूट एब्सेंट होती है, मुख्य रूप से इसका फंक्शन जो रूट है, रूट की एब्सेंट होने के कारण इसका जो कार्य है रूट का कौन करता है, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसको फिक्स करने का काम करता है या बेस से अटैच करने का काम करता है आपका क्या, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स की बात करें हम तो ये जो राइजॉइड्स है वो दो प्रकार के हमको दिखाई देते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर जो कि अनब्रांच है और मल्टी सेलुलर जो कि ब्रांच है। यूनिसेलुलर जो अनब्रांच है ये दो प्रकार का हमको दिखाई देता है, एक होता है स्मूथ सरफेस जिसके अंदर की सरफेस चिकनी होती है और दूसरा होता है ट्यूबरक्यूलेटेड इस तरीके के पैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई देता है यूनिसेलुलर राइजॉइड्स। यदि हम मार्केंसिया की बात करते हैं तो मार्केंसिया में राइजॉइड्स के अलावा एक स्केल के समान संरचना या स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये जो स्केल होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर के कारण होने के साथ साथ ये क्या काम करती है कि मार्केंसिया को रक्षा देने का काम या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ग्रोइंग रीजन या जो वृद्धि करने वाले जो भाग है उधर पर दिखाई देती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पानी को ये एब्जॉर्ब करती है। इसमें मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है या जो वेस्कुलर बंडल है या जो संवहन ऊतक है वो मुख्य रूप से अनुपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो रिप्रोडक्शन हमको इसका दिखाई देता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो कि हमको दो मेथड के द्वारा, एक ट्यूबर ट्यूब के द्वारा और दूसरा गैमा कप के द्वारा हमको जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो दिखाई देता है। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओगैमस टाइप्स का होता है। ओगैमस टाइप्स जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम ओगोनिया कहते हैं। यदि हम एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो ये मोटाइल होता है और इसके अंदर एंथ्रोजॉइट्स पाए जाते हैं और ये जो एंथ्रोजॉइट्स होता है जो कि बाइफ्लैजेलेट होते हैं। बायोफ्लेजलेट हो जाने के साथ साथ ये पानी में तैरता हुआ कहां पाया जाता, कहां पहुंचता है, फीमेल के द्वारा। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग की बात करते हैं या जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है ओगोनिया, यदि हम इसकी संरचना देखते हैं तो हमको फ्लास्क के समान दिखाई देती है। नीचे हमको गोल जिसको हम वेंट्रल वाल्व, ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नेक कहते हैं और इसके अंदर जो है वो हमको एग दिखाई देता है। और जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा या फर्टिलाइजेशन करेगा तो यही जो आपके मेल के अंदर जो एंथ्रोजॉइट्स हैं जो कि बाइफ्लैजेलेट हैं पानी में तैरते हुए इसी एग के पास आएंगे, फ्यूजन करेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे और इसके द्वारा जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होते हुए हमको दिखाई देगी। फर्टिलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वॉटर या पानी की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो बाइफ्लैजेलेट जो एंथ्रोजॉइट्स है ये पानी के द्वारा ही फीमेल के पास पहुंचेगा। यदि पानी नहीं होगा तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए H2O या जल की आवश्यकता है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूजन करेंगे और उस फ्यूजन के द्वारा जो जाइगोट बनता है, ये जो जाइगोट होता है खासतौर से कल उसमें किसी भी तरीके की रेस्टिंग पीरियड या किसी भी तरीके का रेस्ट नहीं करता है, विश्राम नहीं करता है और आगे चलकर जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और ये जब एम्ब्रियो बनता है तो इसी एम्ब्रियो के द्वारा इस स्पोरोफाइट स्टेज आ जाएगी। अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गैमेटोफिटिक स्टेज है जो आगे चलकर स्पोरोफिटिक कंडीशन में चेंज हो गई और ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो आगे चलकर गैमेटोफिटिक कंडीशन में चेंज होगी और लगातार गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक और पीढ़ी दर पीढ़ी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये अवस्थाएं हमको आगे चलती हुई दिखाई देती है। यदि हम बात करते हैं स्पोरोफाइट तो ये जो स्पोरोफाइट है इसमें ना तो स्टेम पाया जाता है ना लीफ पाया जाता है लेकिन यहां पर राइजॉइड्स हमको दिखाई देते हैं और राइजॉइड जो है वो ओसी के द्वारा पानी या जो भोज्य पदार्थ है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन जैसे अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा कि जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफिटिक, क्योंकि गैमेटोफिटिक के द्वारा ही स्पोरोफिटिक बनेगा तो बिना गैमेटोफिटिक के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण नहीं होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट। इसके बाद इसकी कई स्पीसीज हमको देखने को मिलती हैं ये बायोफाइटा में जिसमें जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है ये तीन अवस्थाओं में फूट, सीटा और कैप्सूल में दिखाई देती है। कई कुछ स्पीसीज हैं जिसमें फूट और कैप्सूल दिखाई देगा, सीटा एब्सेंट होता है। यदि हम फूट भाग, फूट का दो भाग की बात कर रहे हैं तो ये जो फूट होता है खासतौर से जो भोज्य पदार्थ है इनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यदि हम सीटा की बात करें तो ये मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, लगातार ये डिवीजन करेंगे और लंबाई में इस स्पोरोफाइट को बढ़ाएंगे।
यदि हम कैप्सूल की बात करें तो ये जो कैप्सूल है अपने अंदर स्पोर्स का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है तीन अवस्थाओं में फूड, सीटा और कैप्सूल में भिन्नता हमको दिखाई देती है। यदि हम स्पोर मदर सेल्स, क्योंकि कैप्सूल के द्वारा स्पोर्स का निर्माण हुआ, तो ये जो स्पोर मदर सेल्स है ये रिडक्शन डिवीजन करती है और इस रिडक्शन डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये गैमेटोफिटिक स्टेज को जन्म दे देगा। और इस तरीके से आपने देखा कि स्पोरोफिटिक कंडीशन से हम कहां ट्रांसफर हो गए, गैमेटोफिटिक स्टेज में।